हेलो दोस्तों, ये एक ऑप्टोकुपलर एलईडी ब्लिंक है। इसका मतलब है हम लोग जब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी लाइन लगेंगे तब इस एलईडी ब्लिंक करेगा। इस तरह से ये एलईडी ब्लिंकिंग ये सिंपल सा एक सर्किट है। चलिए इसे कैसे बनाते हैं वो इस वीडियो पे देखते हैं। इसको बनाने के लिए आप लोगों को 5 कंपोनेंट एक 10 वोल्ट 220 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, एक एलईडी लाइट और एक PC817 ऑप्टोकपलर, इसको बनाने के लिए 2 रेजिस्टेंस चाहिए, एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस और दूसरा 4.66 किलो ओम का रेजिस्टेंस। यह इसका सिंपल सर्किट डायग्राम। मैंने 1 नंबर पिन से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है और रेजिस्टेंस के साथ एलईडी का पॉजिटिव पोर्शन मैंने कनेक्ट किया है और एलईडी का नेगेटिव पोर्शन मैंने कनेक्ट किया है ऑप्टोकपलर की 1 नंबर पिन में। और दूसरा रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट किया है 2 और 3 नंबर पिन में और 3 नंबर पिन से मैंने एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है और नंबर 3। और मैंने पावर सप्लाई देने के लिए नेगेटिव कनेक्ट किया है 2 और 1 के रेजिस्टेंस के बीच। और पॉजिटिव पावर सप्लाई देने के लिए मैंने ये पॉजिटिव पोर्शन कनेक्ट किया है ये 5.6 के और एलईडी लाइट के बीच। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और मेरे इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।